और सबसे पहले बात भीषण युद्ध की, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच 29वें दिन भी युद्ध जारी है, लेकिन जंग रुकती हुई नजर बिल्कुल नहीं आ रही। इधर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से हथियार उठाने की सोशल मीडिया पर अपील कर दी है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग का आज 29वां दिन है। 28 दिनों से काराबाग की हवा बारूदी हुई पड़ी है, लोग लाश बनते जा रहे हैं, मौत मुंह बाए खड़ी है। कब कौन सा इलाका, कौन सा इंसान, कौन सी दुकान, कौन सा मकान खाक हो जाए, सब कुछ राख हो जाए, कुछ नहीं पता। दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों के लोग दहशत में जी रहे हैं। इस भीषण जंग में अब तक करीब 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन दोनों देश मानने वाले नहीं। सैन्य स्तर पर आर्मेनिया कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि शुरू से ही खबर आ रही है और इसके वीडियो सबूत भी मिले हैं कि अजरबैजान की ओर से आतंकी भी लड़ रहे हैं। खैर, इन सब के बीच आर्मेनिया के पीएम ने नागरिकों से हथियार उठाने को कहा है। आर्मेनिया के पीएम ने कहा है कि जंग ही समाधान का रास्ता है। उधर अजरबैजान के राष्ट्रपति ने युद्ध नहीं रुक पाने के लिए आर्मेनिया पर आरोप लगा दिया है और कहा है कि आर्मेनिया ने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया होता तो अब तक जंग खत्म हो चुकी होती। आरोप प्रत्यारोप जारी है, उसी दौरान हमले भी जारी हैं। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर जोरदार हमला किया। हमले के बाद अजरबैजानी सैनिकों में भगदड़ मच गई। एक हमले के बाद आर्मेनिया ने दावा किया है कि उसने अजरबैजान के हथियार भंडार को तबाह कर दिया। आर्मेनिया पर अजरबैजान की सेना लगातार अटैक कर रही है और हर घंटे अजरबैजान आगे बढ़ रहा है। 36 घंटे में काराबाग के 22 और गांवों पर अजरबैजान का कब्जा हो गया है। नागोर्नो काराबाग में 90,000 लोग बेघर हो गए हैं। युद्ध वाले इलाकों में कई जगहों पर आर्मेनिया के तबाही के निशान दिख रहे हैं और कई जगहों पर बर्बाद सैन्य उपकरण नजर आ रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और रॉकेट से अटैक करते हुए अब तक 8,000 से ज्यादा इमारतें, अस्पताल, स्कूल, सड़कें तबाह कर दी हैं। फिलहाल अजरबैजान की सेना आर्मेनिया पर गोले बरसा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।